भगवान शिव शमशानवासी हैं, वो संहारक भी माने गए हैं, यानी मृत्यु के देवता भी हैं। मनुष्य को मृत्यु के नाम से भय होता है। ऐसे स्थान पर जब भी व्यक्ति कोई दैनिक पूजन में या किसी विशेष पूजन के उपरांत आरती के समय कर्पूर ग्रहणम कर्णावतारम संसार वशारम भुजगेंद्र हारम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो एक तरफ भगवान शमशानवासी होने के साथ ही साथ हमारे भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी हैं। पशुपतिनाथ का तात्पर्य चराचर जगत में जितने भी जीव हैं उनके भी वो नाथ हैं। तो ऐसे भगवान शिव जो मृत्यु के दाता भी हैं, उस भगवान शिव से, उस कल्याणकारी शिव से, पशुपतिनाथ से, महामृत्युंजय और आशुतोष भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि कर्पूर ग्रहणम, जो कर्पूर की वर्ण के समान जिनकी कांति है, जिनका वर्ण है कर्पूर की रंग की तरह, वो बिल्कुल श्वेत, आमतौर पे नीला रंग देखा जाता है लेकिन श्वेत वर्ण के हैं और संसार विशारम पूरे संसार को रचने और उनको देखने वाले हैं, गले में सर्प की माला धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान शिव को माता पार्वती सहित मेरे मन मंदिर पे वास करें, मेरे हृदय में निवास करें, हम उनको हमेशा स्मरण कर पाएं, इस भाव से इस मंत्र को पूजन के समय गाया जाता है। और यह भी बात है कि भगवान शिव का जब विवाह हो रहा था तो शिव पार्वती के विवाह के समय हमारे श्री हरि विष्णु के द्वारा यह गाया गया था, इसीलिए आज जिसे करते हैं। और तात्पर्य फिर है कि मृत्यु के भय से मनुष्य ये करता है, मनुष्य का के अंदर से मृत्यु का भय दूर होता है और भगवान के शिव की उनकी अनुपम कृपा बरसती है कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।